जिला प्रशासन की अभिनव पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के साथ देव समाज द्वारा जुड़ने व उनके उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद की अध्यक्षता में उपायुक्त सभागार से सर्व देवता सेवा समिति मंडी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व देवता सेवा समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने व बेटियों की सुरक्षा के लिए दिए गए संकल्प का हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता पत्र उपायुक्त को सौंपकर समस्त देव समाज के कारधारों से इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। बैठक के दौरान उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने देव समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ने व इस मुहिम का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के बदलते परिवेश में बेटा व बेटी एक समान है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई वर्षों से मेरी लाडली के माध्यम से जिले में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बेटियों को बचाने व इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इनके उत्थान व कल्याण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अब देव समाज भी इस मुहिम से जुड़ने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदलने में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेटियों की घटती जन्मदर के मुख्य दो कारण हैं, एक बेटे की लालसा तथा दूसरा दहेज प्रथा। ये सोच धीरे धीरे समाज में बढ़ती जा रही है, इसलिए बेटियों को बचाने के लिए व समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए देव समाज की पहल कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिला मंडी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लिया गया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हमें जिला में बेटियों के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या तथा दहेज प्रथा को रोकना है और लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदलने के लिए सामूहिक रूप से अभियान चलाकर समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि शिवरात्रि के सफल आयोजन व मेले को और अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए देव समाज व आम जनमानस अपने अपने सुझाव भी दे सकता है और सकारात्मक सुझावों पर अमल किया जाएगा। सर्वदेवता समिति के और सभी कारदार देव सब यहाँ पर आज मंडी में आए थे और इसकी बैठक के साथ एक हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हमने आयोजन किया, जिसमें सर्वदेवता समिति ने हमारे इस अभियान से इन्होंने जोड़ इस अभियान से जुड़ने की प्रतिज्ञा ली है और इन्होंने अपने सभी जितने भी इनके सदस्य हैं इनकी भी इनसे भी एक प्रतिज्ञा आज ली है उन्होंने कि हम कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करेंगे, हम दहेज प्रथा का विरोध करेंगे और इसमें पूरी सर्व देवता समिति सभी देवी देवता हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं। मैं सर्व देवता समिति के प्रधान इनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके इस अभियान में जुड़ने से हमारे इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और शक्ति मिलेगी और हम हर व्यक्ति तक, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य लोगों की सोच परिवर्तन का है और उस सोच परिवर्तन से हमारे समाज में हमने बदलाव लाना है, वो तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएं और जब सर्व देवता समिति हमारे साथ इसमें जुड़ी है तो हमें और भी इसमें बल मिला है। हमें पूरी आशा है कि इस अभियान में हम सफल हो पाएंगे और जो हमारा घटता लिंग अनुपात है उसको रोककर हम सही दिशा में आगे चल पाएंगे। सर्व देवता सेवा समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने उपायुक्त तथा अन्य जिला अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि देव संस्कृति में भ्रूण हत्या पाप है और आध्यात्मिक दृष्टि से देव समाज की वैदिक संस्कृति में मातृशक्ति को पूजनीय माना गया है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी के समस्त देवी देवताओं के प्रतिनिधियों एवं कारधारों ने अपनी अपनी देव संस्थाओं में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को पूर्ण रूप से रोकने तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के प्रति समाज को प्रेरित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जिला मंडी का समस्त देव समाज जिला प्रशासन के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर कन्या भ्रूण हत्या व दहेज प्रथा का विरोध और निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी कन्या को कोख में मारने का जघन्य अपराध करते हैं वे देव समाज के लिए वशीकृत माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि देव समाज के सभी प्रतिनिधि व कारधार लोगों तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और
नवरात्रि के सभी आयोजनों में कन्या भ्रूण हत्या एवं दहेज की कुरीतियों के प्रति जागरूकता को उपदेश का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवी स्थानों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को दर्शाया जाएगा। समिति द्वारा इसका प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया गया। इस अवसर पर सर्व देवता सेवा समिति ने आगामी शिवरात्रि मेले के दौरान देवी देवताओं के ठहरने व अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ मांगे उपायुक्त के समक्ष रखी, जिसे उपायुक्त ने प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार, जिला कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास सुरेंद्र टेक्टा सहित सर्व देवता सेवा समिति के मुख्य सलाहकार रेवती राम शर्मा, उप प्रधान भीम चंद सरोच आदि मौजूद रहे। हमारे जितने भी देवी देवता देवभूमि में मानकर देवभूमि में उनका जो संचालन है, कई से ग्रंथ है उनके धार्मिक चलता रहता है। जैसे हमारे मनुस्थिति के ग्रंथ में श्लोक नंबर 56 अध्याय 3 में उन्होंने नारी जाति के बारे में बड़ा व्याख्यान किया हुआ और कन्या के बारे में, कन्या एक पूजनीय वस्तु के बारे में हमारा व्याख्यान किया हुआ है कि कन्या पूजनीय है। वो हमारे देवी देवताओं के जो जितने भी कार्य होते हैं उसमें कन्या पूजन जो है विशेष महत्व रखता है। अगर कन्या को ही खत्म कर दिया जाए तो हमारे देवी देवता भी अधूरे। जैसे हमने अभी जो प्रतिबद्धता पत्र पढ़ा या दिया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे गणेश जी भी शक्ति के बगैर कार्य नहीं कर सकते, जीवन को दूर नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं चला सकते और हमारे सिद्धि समाहित नहीं हो सकते और ना ही हमारी अन्न की पूर्ति होगी ना बृहस्पति की पूर्ति होगी जब तक आदि शक्ति हमारे साथ ना हो। तो आदि शक्ति का होना जरूरी है, इसलिए हमारा जो प्रशासन साथ और सरकार के साथ जुड़ने का महत्व क्या है कि सबसे बड़ा महत्व है कि हमारे देवी देवता की संस्कृति जीवित रहे और आगे भी संस्कृति को हम उत्थान करें और संस्कृति का उद्धार करें जिसमें कन्या जुड़ी है। कन्या के लोग आदि शक्ति मानते हैं। देवी जैसे हमारे 216 देवी देवता मंडी में आते हैं उसमें 84 देवियां के रूप में है और 84 देवी तो कन्या के रूप में मानी जाती है। हमारे नवरात्र में कन्या पूजते हैं तो देवी के रूप में देखा जाता है। इसलिए हमारा इनके साथ जुड़ना, सरकार के साथ जुड़ना ये कोई अभी नई बात नहीं है। हम शुरू से इसका जो है साथ देते आए हैं और आगे भी साथ देंगे और जहां तक ये हमारा ध्येय पथ है ये भी बड़ी गलत है। ध्येय पथ कोई देवी देवता नहीं चाहता है कि तुम गलत काम करो। हमारे जितने भी गांव में देवी देवता है वो उनके साथ हमारे जितने भी शादियां हैं या जन्मदिन है सब उनके पुष्टि होते हैं तो वहां वो कभी नहीं कहते कि तुम ध्येय देकर इस कार्य को, तो ध्येय प्रथा भी गलत है। इसके लिए हम विरुद्ध हैं। तो हमने एक संकल्प लिया है कि कन्या को बचाना हमारा एक लक्ष्य होगा और समस्त कागजात अपने 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 गांव में जाकर जो हमारी ग्राम सभा होगी उसने भी सबको उत्तेजित करेंगे और हमारा जो अभी हमने पवित्रता पत्र छपा हुआ है उसको भी एक एक कॉपी सारे रिस्पॉन्ड करेंगे कागजात और इसको चलाने की कोशिश करेंगे।